सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिटीज कार्स। कार्स और बाइक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे KTM की न्यू बाइक के ऊपर। जैसे थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि बाइक की यहाँ पे बात होने वाली है। तो यहाँ पे KTM ने अपनी 125 में यहाँ पे CC में बाइक यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है और वो है यहाँ पे RC125। आज हम बात करेंगे इसी बाइक के बारे में, सारी स्पेसिफिक वगैरह जानेंगे, इसके जानेंगे फीचर्स के बारे में जानेंगे कि इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है इस बाइक का और क्या कलर हमें मिलने वाले हैं इस बाइक के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन की। तो उसमें दो कलर ऑप्शन मिलते हैं ये आपके सामने। बात करें स्पेसिफिकेशन की तो इंजन की यहाँ पे बात करें, इंजन दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे 124.7 cc का इंजन मिलता है। 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करें पावर की, पावर स्क्रीन जो मिलती है वो दी गई है यहाँ पे 14.95 PS की पावर दी गई है। टॉर्क यहाँ पे बात करें तो 12 Nm की टॉर्क दी गई है। बात करें ट्रांसमिशन की तो मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है 6 स्पीड गियरबॉक्स में। स्टार्टिंग टाइप की बात करें तो सेल्फ स्टार्ट ऑनली देखने को मिलता है। बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो 13.7 लीटर से यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। बात करते हैं डायमेंशन की तो सैटेलाइट इसके अंदर मिलती है वो है 8 to 4 mm की। वही बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की वो दी गई है इसमें 158 mm की। ड्राइविट की बात करें तो 150 kg की ड्राइविट दी गई है। बात करें फीचर्स की तो एडजस्टेबल विंड स्क्रीन दी गई है, सुपर मोटो ABS दिया गया है। बात करें सेफ्टी की तो डुअल ABS देखने को मिलता है। बात करें मीटर की तो मीटर ऑल डिस्प्ले यहाँ पे ऑल डिजिटल दिया गया है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, हेडलाइट्स यहाँ पे हेलोजन में देखने को मिलती है, टेल लाइट यहाँ पे LED में देखने को मिलती है, टर्न सिग्नल लैंप यहाँ पे LED में देखने को मिलता है। तो बात करें यहाँ पे टायर एंड व्हील्स की तो टायर टाइप यहाँ पे ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। व्हील टाइप की बात करें तो अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट ब्रेक डिस्क में दिया गया है और उसका डायमीटर है वो है यहाँ पे 320 mm का। मैं बात करें रेयर ब्रेक की वो भी डिस्क में दिया गया है, उसका डायमीटर है वो है यहाँ पे 230 mm का। बात करें सस्पेंशन की तो फ्रंट सस्पेंशन यहाँ पे WP APEX 43 दिया गया है। वहीं बात करें रेयर सस्पेंशन की वो भी यहाँ पे WP APEX मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है यहाँ पे। बात करें यहाँ पे प्राइसिंग की तो एक्सशोरूम दिल्ली प्राइस की बात करें तो एक्सशोरूम दिल्ली प्राइस जो दिया गया है इस वेरिएंट का वो है यहाँ पे 1,81,913 rupees यहाँ पे रखा गया है इस वेरिएंट का एक्सशोरूम दिल्ली प्राइस। तो ये है KTM RC125। ये बाइक लॉन्च हो चुकी है यहाँ पे। अगर हमारे आसपास के शोरूम पे आती है तो हम आपको वीडियो बना के इसके जरूर दिखाएंगे। सो ओवरऑल अगर बाइक की बात करूँ तो 125 में बाइक निकाली है। लुक वाइज की अगर बात करूँ तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बात करें इसके फीचर्स के बारे में और फीचर भी काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स के अंदर दिए गए हैं। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक है, जो KTM लवर हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आएगी बाइक। सो आज की वीडियो में इतना ही। कार्स और बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। सो कैसे लगे वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी हैप्पी।